सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। इन दिनों टीम इंडिया के पेसर मोहम्मद शमी अपनी पत्नी के साथ विवाद को लेकर चर्चा में हैं और हालात कुछ ऐसे बने हैं कि उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। जबकि शमी की पत्नी हसीन जहां ने वकील जाकिर हुसैन ने कहा, हमने मामले को सुलझाने के लिए शमी के फोन का इंतजार किया था, लेकिन वह कॉम्प्रोमाइज के मोड में नहीं है। उसने जो किया है वो गंदा काम है, एक्सप्लॉयटेशन है। हमारे पास सबूत है, उसके खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज है। शमी पर गिरफ्तारी का खतरा है और उसकी सिर्फ कोर्ट के जरिए ही जमानत हो सकती है। इसके साथ ही हसीन जहान के वकील ने कहा, अगर वह ऐसे मामले की टाल मटोल करता रहा तो वह आगे घरेलू हिंसा और मेंटेनेंस का केस भी दायर करेंगे। गौरतलब है कि शमी की पत्नी हसीन जहान ने शमी के फेसबुक चैट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किए थे, जिसके बाद क्रिकेटर शमी ने एक भावुक पोस्ट लिखते हुए कहा था कि वो उनके परिवार को तोड़ना चाह रही है। दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।